प्रभु दरबार भक्ति ज्ञान और सेवा का मार्ग। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों की तरफ से एक बार फिर मैं आप सभी प्रियजनों का, सभी दर्शकों का इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और आइए प्रिय दर्शकों, माँ देवी अपराजिता के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं कि हे देवी अपराजिता, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सब भक्तों पर अपनी कृपा को बनाएं और हम सबके मनोरथ पूर्ण कर दें। तो प्रिय दर्शकों, ये हमारा लाइव प्रोग्राम है सदा के लिए। आज भी हम इस कार्यक्रम में आपकी लाइव समस्याओं का समाधान करने के लिए, माँ की कृपा को प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुए। आइए माँ को प्रसन्न करते हैं और पहले शंखनाद करेंगे। शंखनाद से माँ अति प्रसन्न अवस्था में होती और त्रिलोक्य देवी अपराजिता जब प्रकट होती है, जब उनके लिए शंखनाद होता है तो समस्त देवी देवतागण उनके सामने, उनके समक्ष नतमस्तक होकर खड़े हो जाते हैं। तो आइए शंखनाद का आनंद करें। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में अभी जुड़ सकते हैं। हमारे सभी फेसबुक के दर्शक हमारे प्रभु दरबार पेज पर जाएं और इस कार्यक्रम को आप रोज़ाना अपने मोबाइल पर भी लाइव देख सकते हैं। और इसी प्रकार जैसे आप टीवी के कार्यक्रमों में आप हमें कॉल करते हैं, अपनी समस्याओं का सरल समाधान लेते हैं, क्योंकि यहाँ समय बहुत कम रहता है। और जो हमारे मोबाइल पर आप अपना प्रोग्राम देखते हैं, प्रभु दरबार को देखते हैं, तो आप हमें दिन भर हमें कॉल कर सकते हैं। जो नंबर आप अपने मोबाइल पर देखते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं, उन्हीं नंबर पर ही आपको कॉल करनी है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में, माँ के चरणों में। बेटा अपना नाम बताइए। संगीता। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 37 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 34 नंबर। अपनी माँ का नाम बोलिए बेटा। अलहिया देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा अभी बने रहिएगा। बेटा जीवन में संघर्ष बहुत कर रहे हो, सोचे हुए काम आपके बनते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है आपके घर में बेटा धन की बरकत नहीं है बिल्कुल भी। गुरु जी और कई दूसरी सालों बेटा से... मकान की समस्या भी होनी चाहिए बेटा। ये बताओ अभी कुछ मकान बनाने का प्रयास कर रहे हो, उसके कारण धन की काफी तंगी हो रही है, कर्ज लेना पड़ रहा है आपको। हाँ जी गुरु जी, कर्जा लेना पड़ रहा है। कई सालों से मकान किराए के मकान में रहते हैं, पर अब सोचा कि मकान बना लेते हैं तो अपना घर, उसके लिए कर्जा ले रहे हैं बहुत, पर क्या बन पाएगा मेरा घर। बेटा मकान तो बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको बेटा समाधान करना पड़ेगा जिससे आप कर्ज से बच जाएं और आपकी आमदनी बढ़ जाए और आप अपने मकान का सुख भी ले पाएं। उसके लिए बेटा कुछ उपाय आपको करने हैं, क्योंकि वर्तमान में अभी बेटा 2024 तक का समय कर्ज में वृद्धि वाला है। आपको अपने कार्य चलाने के लिए, घर का संचालन करने के लिए,
या किसी भी मकान भूमि के लिए आपको कर्ज लेना पड़ सकता है और कर्ज बढ़ भी सकता है। इसके लिए थोड़ा सा आपको समाधान करना है बेटा, केतु का उपाय करना शुरू कर दीजिए, अड़चनें दूर हो जाएंगी, कर्ज से बच जाओगे और सभी प्रकार की परेशानियों से भी आपको निजात मिल जाएगी। एक तो रोज़ाना बेटा कुत्ते को दूध पिलाना शुरू कर दीजिए। दूसरा सफ़ेद तिल बेटा, हर बुधवार के दिन शाम को सूर्यास्त से पहले थोड़े से सफ़ेद तिल और बेटा साथ में 11 रुपए की दक्षिणा रख के मंदिर में जाके बेटा किसी ब्राह्मण को दान कर दें। जिस घर के किराए के मकान पे अभी आप रहते हो, उस मकान के उत्तर और पश्चिम कोण में यानी वायव्य कोण में एक काले रंग का झंडा बेटा आपको बुधवार के दिन लगाना है। जब तक किराए के मकान पर रहते हो तब तक यहाँ लगाना, जब अपने मकान में चले जाओगे तो अपने मकान में सबसे पहला यही काम करना। इससे बेटा आपके जीवन की अड़चनें समाप्त हो जाएंगी और कर्जदारी से मुक्ति मिलेगी और अच्छे लोगों से मिलना जुलना होगा, गुप्त शत्रुओं से भय बाधा से मुक्ति मिलेगी, जीवन में कला कलेश नहीं होगा। अच्छा ये बताओ बेटा, कुछ आपको हाथों में दर्द होता है कभी हाथों में? हाँ जी। अपने पति का नाम बताइए बेटा एक बार। हेलो, धर्म जी। अभी बेटा तीन बार फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम बेटा, आपके पति को एक कार्य करना है। रोजाना बेटा मंदिर में जाना है आपके पति को, थोड़ी ताज़ी दूरवा हरी घास तोड़कर उसको अच्छी तरह जल से बेटा कच्चे दूध का छींटा लगा के उसको मंदिर में जाके गणेश जी को रोज़ चढ़ाना शुरू कर दें। इससे बेटा बहुत जल्दी कर्ज से मुक्ति मिलेगी, घर में बरकत आएगी, इनको लाभ मिलेगा, इनकी आमदनी बढ़ जाएगी। और एक शुद्ध गोमेदक रतन बेटा इनको सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करना है। बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। अति गोत्र। फोन पर बेटा अभी बने रहिएगा। आपका सदा कल्याण। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि हम आपको कितने सरल उपाय देते हैं, ऐसे उपाय नहीं देते हैं कि आप उन उपायों में ही उलझ जाएं। बहुत टेढ़े मेढ़े मुश्किल महंगे उपाय हम आपको नहीं देते हैं, हम आपको सरल उपाय देते हैं कि कम से कम शुल्क में आपका उपाय पूरा हो जाए और कम से कम शुल्क में आपके कार्य सिद्ध हो जाएं, और उपाय भी ऐसे सरल कि शायद आप उसमें कोई गलती भी ना कर पाएं। क्योंकि ऐसे भी उपाय होते हैं बहुत टेढ़े मेढ़े, बहुत ही कठिन उपाय होते हैं जिसको करने से कई बार गलतियां हो जाती हैं और लाभ की बजाय व्यक्ति को हानि झेलनी पड़ती है। तो उपाय हमेशा सरल ही करने चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखें, उपाय हमेशा यदि अन्न के रूप में, भोजन के रूप में या मंदिर में कुछ वस्तु देने के रूप में आप करेंगे तो उसका कभी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो किसी भी ग्रह से संबंधित यदि आप अन्न दान करते हैं, चाहे किसी गरीब को, किसी जीव जंतु गाय को खिलाती हैं या मंदिर में दान करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना उसमें आपको कभी भी हानि नहीं हो सकती है। दबाने वाले और जल प्रवाह करने वाले उपाय बड़े सोच समझ के किया करें, क्योंकि एक गलत उपाय आपके भविष्य को भी खराब कर सकता है। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से अपना बेटा नाम बताइए मुझे। गुरुजी राहुल। कहाँ से बात कर रहे हो राहुल बेटा? गुरुजी मैं अलवर से बात कर रहा हूँ जी। अपनी उम्र बताएं। 34 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 18 गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताओ। गुरुजी माता जी का नाम है चित्रा देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा घर में कुछ चोरी हानि होती है बेटा आपको? जी जी गुरु जी, जी जी। दूसरा ये बताओ, क्या कोई मेटल धातु या कोई बर्तनों से संबंधित व्यापार कार्य करते हो? जी जी गुरु जी, बर्तनों की दुकान है मेरी खुद की। वहाँ पर कुछ लेबर नौकर भी काम करते होंगे? जी जी गुरु जी, काम करते जी, चार नौकर है गुरु जी। कभी कुछ पैसे का या किसी और चीज की चोरी का नुकसान होता है दुकान में? जी जी गुरु जी, आए दिन चोरी होती है गुरु जी। बेटा आपका भी केतु पीड़ित है बेटा, केतु को शुभ करें तो बेटा नौकरों से हानि नहीं होगी, नौकर वफादार मिलेंगे। अगर केतु पीड़ित होगा तो नौकरों से हानि होगी, नौकरों से ही धोखा मिलेगा। अच्छा। अब आपको बेटा करना क्या है, 1 मीटर बेटा काला कपड़ा लेना है जी। उसमें बेटा 800 ग्राम सफ़ेद तिल, 800 ग्राम काले तिल और 800 ग्राम जौ और 800 ग्राम गेहूँ, ये सभी सामग्रियां बेटा बांध कर बुधवार सिर से 7 बार उल्टा वार कर उसको बेटा बहते पानी में प्रवाह करना है दोपहर को 2 बजे के बाद। रोजाना बेटा माथे पर रक्त चंदन का तिलक लगाओ, गले में एक तांबे का सिक्का लाल रंग के धागे में मंगलवार को सूर्योदय काल में गंगा जल कच्चे दूध में धोकर धारण करना और शहद का तिलक लगाकर बेटा उस सिक्के पर आपको अपने गले में धारण करना है। इसके अलावा 4 मंगलवार बेटा 800 ग्राम लाल मसूर की दाल, ये आपको मंदिर में दान करनी है। बजरंग बाण का बेटा रोज पाठ किया करो। थोड़ी सी बेटा खैर की लकड़ी लेके आनी है, खैर के पेड़ की, पंसारी की दुकान पे चले जाना, वहाँ से खैर समिधा बेटा ले लेना बेटा, ये हवन सामग्री में भी डलती है। तो खैर की समिधा बेटा रोज सुबह कुछ समय जल में डाल के रखनी है, वही लकड़ी आप बार बार यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि रोज नई लकड़ी लेके आनी है। उसको जल में डाल के रखो और उस जल से बेटा स्नान करना शुरू कर दीजिए। वैदूर्य मणि बेटा, एक वैदूर्य मणि रतन आता है, उसको चांदी में बनवा के सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में धारण कर लेना। ओम केम केतुए नमः, एक बार फिर से बोल रहा हूँ बेटा, मंत्र है ये ओम केम केतुए नमः। इस मंत्र का संध्या काल में, रात्रि काल में सरसों के तेल का दीपक जला के आप 10 मिनट का बेटा पाठ कर लिया करो और जाके बाहर किसी कुत्ते को दूध पिला लिया करो। और शनिवार के शनिवार भैरव जी के मंदिर में जाया करो, वहाँ पर एक जटा वाला पानी वाला नारियल बेटा, नारियल के ऊपर बेटा अपनी लंबाई के बराबर काला धागा बांध कर वो बेटा वहाँ जाके आप छोड़ना शुरू कर दीजिए हर शनिवार को भैरव जी के चरणों में। इसके अलावा बेटा नशा बिल्कुल नहीं करना, पान बीड़ी तंबाकू का सेवन बिल्कुल ना करें, नहीं तो केतु और पीड़ित हो जाएगा, कर्ज बढ़ जाएगा। अभी कर्ज भी होना चाहिए आपके ऊपर। जी 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 गुरु जी, कर रहा है गुरु जी। कुछ आपका मोटापा बढ़ रहा है बेटा पिछले कुछ समय? जी से जी गुरु जी, मोटापा बढ़ रहा है गुरु जी, बहुत टेंशन है गुरु जी मेरे जीवन में। पत्नी को घुटनों में या पीठ में बहुत ज्यादा दर्द होती है? जी जी गुरु जी, जी कमर में घुटनों में दर्द होता है गुरु जी उसको। क्या नाम है आपकी पत्नी का? गुरु जी मेरी पत्नी का नाम संगीता है गुरु जी। पत्नी का कोई भाई नहीं है बेटा? जी जी गुरु जी, उसका कोई भाई नहीं है गुरु जी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बने रहना। हरिओम।
हरि ओम गुरु जी। बेटा पत्नी को बोलना 3 रोटी घर में रोज बनानी है, नमक चीनी और घी डाल के। जी जी गुरु जी। गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, और एक बेटा शुद्ध पीताम्बरी पुखराज पत्नी को गले में धारण करवा देना, जिससे उनको बेटा स्वास्थ्य में लाभ होगा और जीवन में बरकत आएगी। बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ। गुरुजी कश्यप। फोन पर बेटा बने रहना। माँ देवी की विशेष कृपा बेटा आपके परिवार के ऊपर सदा सदा के लिए बनी रहे। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं और बड़ा सरल है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। अभी स्क्रीन पर, टीवी पर आप जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर कॉल करके आप इस लाइव प्रोग्राम में अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। यदि आपकी कॉल नहीं लगती तो चिंता ना करें, आप हमारे प्रभु दरबार फाउंडेशन से अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए प्रभु दरबार पत्रिका भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पत्रिका में बहुत ही दिव्य आपको उपाय और दिव्य उसके फल भी प्राप्त होते हैं। आपको अपने जीवन के रहस्यों की जानकारी प्राप्त होती है, प्रारब्ध के बारे में, पूर्व जन्म के बारे में, वर्तमान के बारे में, जीवन कैसे चलेगा, ये पूरी जानकारी हमारी प्रभु दरबार पत्रिका में आपको प्राप्त होती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुदेव। हरिओम बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम गुरुदेव चंद्र प्रकाश है। चंद्र प्रकाश जी कहाँ से बात कर रहे हो? झालावाड़ से। अपनी उम्र बताएं मुझे। उम्र 45 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 21। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। सुशीला। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ हरिओम सुन पा रहा हूँ। आपका तो बेटा राजयोग है, बड़ी सोच है, लेकिन राजयोग फलित नहीं हो रहा, प्रयास मेहनत का फल नहीं मिल रहा। बेटा कुछ राजनीति में शौक रखते हो? हाँ। कुछ पॉलिटिक्स में, राजनीति में शौक रखते हो बेटा? हाँ रखता हूँ। एक अच्छी क्वालिटी का बेटा नीलम रतन धारण करो और घोड़े की नाल का छल्ला अपने सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करना शुरू कर दीजिए। आपको बेटा वर्ष में 1 बार 6 जोड़ी चमड़े के जूते बेटा गरीब व्यक्तियों को अलग अलग दान करने। शनि का राजयोग है, इसे शश नामक राजयोग कहा जाता है। घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का बेटा दीपक नित्य दिन जलाया करें। शनिवार से 43 दिन लगातार माथे पर गीली मिट्टी का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए और बेटा सुरमे का दान करो। शनिवार के शनिवार थोड़ा सुरमा खरीद लिया करो, उसको मंदिर में जाके बेटा किसी व्यक्ति को, किसी वृद्ध ब्राह्मण को या डाकोत को आप ये दान कर सकते हो। उंगलियों में, हाथों में सोना बिल्कुल नहीं पहनना। सूर्य की और बेटा केतु की आपको शांति योग्य विद्वान से करवानी है। सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए, उस जल के अंदर कुछ बूंदें सरसों का तेल बेटा आपको अवश्य डालना है।
तामसिक भोजन नॉन वेज मांस मछरा मछली अंडे अंडे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। कभी भी जीवन में ना तो किसी को शराब पिलानी है, ना जीवन में कभी किसी को शराब की आपने पार्टी करनी है। इस बात का बेटा आपको बड़ा विशेष ध्यान रखना है। और रात का खाना नीचे बैठ के खाया करो। बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ। मंगरोला। अभी बेटा फोन पर बने रहिए। आपका बेटा सदा कल्याण होगा। माँ देवी की कृपा से आपको अति शीघ्र राजयोग तुल्य फल की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, यदि आपका शनि का शश नामक राजयोग है, प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम या दशम भाव में शनि अपनी मित्र राशि में, अपनी स्व राशि में, मकर या कुंभ राशि में या तुला राशि में मौजूद हैं, तो इससे आपको शश नामक राजयोग की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति यदि प्रयास करे तो अवश्य ही अपने जीवन में मध्यम आयु के बाद यानी 36 के बाद विशिष्ट पद प्रतिष्ठा और जीवन में सफलता और राजयोग की प्राप्ति करता है। ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा अहंकार नहीं करना चाहिए, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा जीवन में दिखावा नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कभी दूसरों को शराब की पार्टी नहीं करनी चाहिए, शराब वितरण नहीं करना चाहिए, शराब किसी को गिफ्ट में नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति विशेष को शनि से संबंधित वस्तुओं का दान भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये राजयोग समाप्ति की ओर चला जाता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। गुरुजी, मेरा नाम अरविंद है। कहाँ से बात कर रहे हो अरविंद बेटा? गुरुजी, मैं पंजाब करनाल से बात कर रहा हूँ। अपनी उम्र बताएं। गुरुजी, 34 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। गुरुजी, 7-7। अपनी माँ का नाम बताओ। सुनीता रानी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो, लगता है प्रिय दर्शकों आवाज़ इनकी मुझ पर नहीं आ पा रही है, तो जब भी आपकी कॉल लगे थोड़ा नेटवर्क एरिया में रहें ताकि मैं आपकी बात को अच्छी तरह से सुन सकूं और आप मेरी बात को समझ सकें और सरल उपाय ले सकें। उपाय ना मिलना ये भी एक किस्म का दुर्भाग्य होता है कि देवी के चरणों में आने के बाद भी यदि देवी की कृपा नहीं हुई तो उसको दुर्भाग्य कहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे थे शनि पर। शनि यदि जन्म लगन में, चतुर्थ भाव में, सप्तम में, अष्टम में, स्व राशि, मित्र राशि, अपनी उच्च अवस्था में आ जाए, तो हमने इस चीज़ को देखा है कि ऐसे व्यक्ति जीवन में राजयोग प्राप्त करते हैं और ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से ही सब कुछ जीवन में प्राप्त करते हैं। यानी ऐसा नहीं होता कि उनको अपने माँ बाप से बनी बनाई संपत्तियाँ मिल जाती हैं या माँ बाप के नाम को इस्तेमाल करके ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। जिनका शश नामक राजयोग होता है वो अपने रचयिता, अपने जीवन भाग्य को खुद बनाने वाले होते हैं। अपनी मेहनत से, एक सुई से लेके महल तक अपनी मेहनत से ही जीवन में खड़ा करते हैं और अपने टैलेंट से ही वो संसार में अपनी पहचान बनाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, जिनका शनि का राजयोग होता है ऐसे व्यक्तियों को कभी भी नशा नहीं करना चाहिए, कभी भी ऊंची आवाज़ में किसी को डराना नहीं चाहिए, किसी पर ज़्यादा रोब नहीं झाड़ना चाहिए, अपनी शक्ति का ज़्यादा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए।
नया मकान भी ऐसे व्यक्ति को नहीं खरीदना चाहिए। जितना सिंपल सादा रहेंगे उतना जीवन में सुख मिलेगा, जितना आप मिट्टी से जुड़कर रहेंगे उतना आपको शनि के राजयोग का श्रेष्ठम फल प्राप्त होगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? गुरुजी करनाल पंजाब से बात कर रहा हूँ। अपनी उम्र बताएं बेटा। गुरुजी 34 साल। अपना नाम बताएं। गुरुजी अरविंद नाम है हमारा। तीन बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा कार्यक्रम कब से देखते हो? गुरुजी 8 साल से देख रहा हूँ आपका कार्यक्रम। में गुरुजी पहले तो मैं माफी चाहूंगा, अभी कॉल मेरी वजह से कुछ कट गया। गुरुजी आपका आशीर्वाद बना रहे और मेरे परिवार मेरा बहुत खुशी है गुरुजी आपके चरणों में आकर। क्या फायदा हुआ बेटा बताइए दर्शकों को। गुरुजी मैंने मेरे पिताजी को शुगर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, करीब 2.5 बरस पहले मैंने आपको कॉल करा था और आपने कहा था कि एक आपका शुद्ध आपका प्रभु दरबार का सिद्ध गुरु जल है गुरुजी, उसके सेवन से पिताजी का शुगर बहुत कंट्रोल आया गुरुजी। और मैं अभी 6 महीने पहले आपसे मिलने भी आया था गुरुजी, आपने मुझे आशीर्वाद दिया था गुरुजी। अब पत्नी को भी पेट से है और गुरुजी बस खुशखबरी आने वाली है गुरुजी परिवार में। अच्छा ये बताओ, ज्यादा डार्क कलर के चेक वाले कपड़े पहनते हो? हाँ गुरुजी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सिर से गंजे हो चुकी हो बेटा? हाँ गुरुजी थोड़ा तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रंग बेटा आपका सावला पड़ता जा रहा है। हाँ गुरुजी थोड़ी बहुत परेशानी है, आप तो अंतर्यामी अब आपसे क्या चुके हैं गुरुजी, थोड़ा बस काम धंधा भी नहीं। यहाँ नौकरी करते हो बेटा, जहाँ प्राइवेट नौकरी करते हो, जो आपका बॉस है बेटा उसके सिर पे भी बाल नहीं है? हाँ जी गुरुजी, मालिक के भी सर पे बाल नहीं है। बेटा एक काम करना, आपका बुध का राजयोग है, एक तो बेटा पन्ना रतन शुद्ध पन्ना रतन धारण करो और इस वर्ष आपके घर में पुत्र योग बनने वाला है, ये एक अच्छी खुशखबरी है। लेकिन आप बेटा थोड़ी दोहरी मानसिकता के शिकार हो बेटा, आत्मबल में कमी है बेटा, अपने कार्य पर पूरा ध्यान नहीं लगाते हो। जी गुरुजी ये चीज़ बेटा आपके लिए अच्छी नहीं है बेटा, अगर जीवन में सफलता चाहते हो तो अपने काम के प्रति पूरे जिम्मेवार बन जाओ बेटा। जी गुरुजी जितनी अपनी जिम्मेवारियों को समझोगे उतना जीवन में सफलता प्राप्त करोगे, नहीं तो बेटा फिर ठोकरी खाते रहना सारी उम्र। जी गुरुजी। दूसरा बेटा हर किसी के बहकावे में मत आया करो बेटा, आप लोगों के बहकावे में जल्दी आ जाते हो। जी गुरुजी। हाँ और कुछ उपाय करने हैं बेटा, उसको बड़े ध्यान से सुन लो। एक तो पत्नी को बोलना रोजाना घर में एक बेसन की रोटी बनानी है, उस रोटी पर बेटा 1 चम्मच चने की दाल थोड़ा गुड़ का टुकड़ा रख कर वो गाय को रोज खिलाना है। पति पत्नी दोनों को माथे पर रोजाना केसर का तिलक लगाना है। हर गुरुवार को बेटा घर में पीले मीठे चावल बनाया करो, उस चावल के लगभग 3 हिस्से कर दिया करो, 1 हिस्सा मंदिर में जाके विष्णु जी को अर्पण करें, ब्राह्मण देवता को दान करें, दूसरा हिस्सा गाय को खिलाएं, तीसरा हिस्सा परिवार में सबको खिलाएं, सुखद संतान का योग बनेगा, पुत्र का योग आपके जीवन में आएगा और ये उपाय करने से आपके जीवन में बहुत बरकत आने वाली है, नौकरी में प्रमोशन मिलने वाली है। मुझे बेटा एक बार अपना गोत्र बताओ जल्दी से। चांदली गोत्र है गुरुजी हमारा। फोन पर बेटा अभी बने रहना। माँ देवी अपराजिता की बड़ी विशेष कृपा आपके परिवार पर आएगी बेटा, बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम, 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 सदा कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, ज्योतिष वास्तु ग्रह से संबंधित यदि कोई समस्या हो या कोई भी आपका प्रश्न हो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने का
और ये कार्यक्रम आप सभी भक्तों को समर्पित है। देवी अपराजिता की बड़ी विशेष कृपा को मैं अनुभव कर रहा हूँ और उन्हीं की कृपा से लाखों व्यक्ति इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और लाखों व्यक्ति नित्यदिन कॉल करते हैं और बहुत से लोगों का रोज कल्याण होता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताओ। कुलदीप कुमार। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? ब्लैंक शर्ट से बात कर रहा हूँ गुरु जी। बेटा ये बताओ, दाढ़ी मूछ क्यों बढ़ा रखी है आपने? गुरु जी शौक है थोड़ा। यदि अपने चेहरे पे बाल की उत्पत्ति करोगे, दाढ़ी मूछ बढ़ाओगे, तो बेटा राहु आपका और पीड़ित हो जाएगा, राहु के प्रभाव में चले जाओगे, हर काम में अड़चन, हर काम में बाधा और पैसे की आमदनी कम खर्चे ज्यादा। ये बताओ आमदनी कम और खर्चे ज्यादा हो रहे हैं गुरु जी? ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि कितना भी कमा लें पैसा नहीं आता, और समस्या ये है कि घर में बीमारी में पैसा सारा जा रहा है। जहाँ जहाँ नौकरी करते हो बेटा, ऐसा लगता है कि बॉस की ज्यादा फेवर नहीं मिलती आपको, है जी? जहाँ नौकरी करते हो ऐसा लगता है आपको कि जितनी आप अपने बॉस के लिए काम करते हो उतना आपको फल नहीं मिलता? नहीं मिलता गुरु जी, मेहनत ज्यादा फल कम है। मेहनत ज्यादा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ थोड़ी लापरवाही भी करते हो आप। लापरवाही से करेंगे तो गुरु जी फिर तो भगवान देखेगा, तो अपनी लापरवाही सुधारेंगे हम। चलो अंतरात्मा से बचाओ बेटा, अंतरात्मा से बताओ बेटा सच्चे मन से, थोड़ी बहुत लापरवाही करते हो नहीं करते हो? नहीं अपनी तरफ से मैं पूरा बेस्ट देता हूँ गुरु जी। अभी नहीं, आप बेटा आप असत्य बोल रहे हो, आप लापरवाह हो। सकता है गुरु जी, तो मैं अपनी कमी दूर करूंगा। अच्छा ये बताओ, कोई आपको फोन करता है पहली घंटी में फोन उठाते हो? गुरु जी उठाता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कहीं बिजी हूँ तो नहीं उठा पाता। ये बेटा इसको लापरवाही कहते हैं। यदि आप अपने काम के प्रति जिम्मेवार हो तो बेटा जब भी कभी कॉल आए तो पहली घंटी पे ही फोन उठाया करो। जी गुरु जी यही होगा। दूसरा बेटा, बेटी के स्वास्थ्य में दिक्कत रहती है? दोनों बेटी, दो बेटी है मेरी, दोनों बीमार है गुरु जी। एक तो एक काम करना बेटा, दोनों बेटियों के वजन के बराबर सतनजा 7 प्रकार का अनाज लेना है, उसको आपने शनिवार को गौशाला में देना है या बहते पानी में डालना है या आपको उसको कबूतरों को खिलाना है, ये अपना नियम बनाओ। दूसरा बेटा आपको एक और उपाय करना है, आपको बेटा रोजाना एक डली गुड़ की लेके अपने हाथ से गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। 2 तांबे के सिक्के लेने हैं आपको, एक ही साइज के सुराख वाले बेटा। एक सिक्के को बेटा मंगलवार को अच्छी तरह धोकर शहद का तिलक लगा के जल प्रवाह कर देना। दूसरा सिक्का लाल रंग के धागे में अपने गले में धारण कर लेना। मैं बड़े विश्वास से कहूँगा कि आपकी दोनों बेटियों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। और 2 कोड़ी पंसारी से लेकर आनी है, उसको चांदी में मड़वाकर काले धागे में बुधवार को गंगाजल कच्चे दूध से धोकर दोनों बेटियों को गले में धारण करवा देना। आपकी दोनों बेटियां स्वस्थ हो जाएंगी और आपकी चिंता समाप्त हो जाएगी। रात का खाना नीचे बैठ के खाया करो, जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना बिल्कुल नहीं खाना। इसके अलावा बेटा पत्नी को बोलना घर में रात को रसोई और जूठे बर्तन बिल्कुल साफ करके सोना है। उंगलियों में आपको और आपकी पत्नी को सोना बिल्कुल भी धारण नहीं करना। बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। गुरु जी गोत्र तो पूर्ववासी है, लेकिन मुझे ना एक समस्या और थी, और पूछना था। बोलो बेटा। समस्या ये, मेरे पापा हैं लगभग 70 के पार हैं उम्र उनकी, उन्हें 2 बार अटैक आ चुका है। अब उन्हें क्या है कि अब उन्हें ना कभी भी जैसे खेत पे गए या जंगल में कहीं मार्केट में गए, कभी भी उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है गुरु जी, तो बड़ी समस्या है। एक बार तो चलती बाइक पे भी गिर गए। बेटा एक काम करना, 21 ग्राम शुद्ध चांदी और 21 ग्राम तांबे का शुद्ध कड़ा, यानी एक तरफ 21 ग्राम आधे कड़े में चांदी की तार और आधे कड़े में तांबे की तार, ठोस कड़ा यानी 21 ग्राम चांदी 21 ग्राम ही तांबा होना चाहिए, कड़ा किसी सुनार से बनवा लीजिए। गुरुवार को गंगाजल कच्चे दूध से धोकर उसको इनको बेटा लेफ्ट हैंड की कलाई में धारण करना है। तांबे के बर्तन में पानी पीना शुरू कर दें। 1 5 मुखी, 6 मुखी और 1 7 मुखी, ये 3 रुद्राक्ष काले धागे में सोमवार को गले में धारण करें, आपकी ये समस्या समाप्त हो जाएगी पिताजी की। और नमक और ज़्यादा चीनी खाना बिल्कुल बंद कर दें बेटा,
ये उपाय करें, पूरा लाभ मिलेगा। गर्म चीज़ें, तली हुई चीज़ें, चाय और ज़्यादा मिर्च मसाले ये बिल्कुल बंद कर दें बेटा। अभी फ़ोन पर बने रहना जी। आपका सदा कल्याण होगा। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। बड़ा सरल है, और इस कार्यक्रम से जुड़ना मतलब आपकी आध्यात्मिक उन्नति, जीवन में अलौकिक कृपा, देवीय कृपा आपको प्राप्त होती है। आपके जीवन से दुख के बादल छट जाते हैं, अंधकार समाप्त हो जाता है, और सुख का, प्रकाश का उदय आपके जीवन में हो जाता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय जन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। रितु गुरुजी। रितु बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? उत्तर प्रदेश बिजनौर से गुरुजी। कुछ कभी कभी आंखों में दिक्कत होती है रितु बेटा? जी गुरुजी, होती है आंखों में दिक्कत। अपनी माँ का नाम बताओ। सुमित्रा देवी। तीन बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम। नौकरी की परेशानी, चिंता दिखाई दे रही है, प्रयास बहुत करते हो, पढ़ाई में, नौकरी में, कार्य क्षेत्र में बड़ी अड़चनों का सामना करना पड़ता है बेटा, ऐसा होता है? बिल्कुल करना पड़ रहा है गुरुजी, बहुत ज्यादा। बेटा एक काम करो, रोजाना सूर्य देवता को तांबे के कलश में जल देना शुरू कर दीजिए। उस जल के अंदर 8 लाल मिर्च के बीज आपने बेटा अवश्य डालने। रोजाना माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाओ। कृतिका नक्षत्र में बेटा बेल के पेड़ की थोड़ी सी मूल यानी जड़ प्राप्त करके लानी है आपको। गंगा जल कच्चे दूध से धो के रोली लगा के तांबे के ताबीज में डाल के लाल रंग के धागे में अपने गले में बेटा धारण कर लेना। बहुत ही उच्च कोटि का आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा हर रविवार को 400 ग्राम गुड़ और 400 ग्राम गेहूँ और 1 लाल रंग का रुमाल और 11 रुपये दक्षिणा ये मंदिर में दान करना शुरू कर दीजिए। संसार की कोई बाधा आपकी नौकरी में अड़चन नहीं डाल पाएगी, और इसी वर्ष आपको सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी। नॉनवेज तामसिक भोजन नहीं खाना, माता पिता का आशीर्वाद रोज लिया करो पांव छू के। बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। गौतम गोत्र। फोन पर बेटा बने रहना। माँ देवी की बड़ी विशेष कृपा आपके जीवन पर आए। तो प्रिय दर्शकों, आप इसी प्रकार हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारे सभी मोबाइल के दर्शक जो YouTube देखते हैं, हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल पर जाएं। इस कार्यक्रम को नित्य दिन आप लाइव देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। और यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है, आपके कार्य बनते हैं और आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो हमारे चैनल को, हमारे प्रभु दरबार चैनल को सर्च करके आप उसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको सभी कार्यक्रमों की पूरी जानकारी, आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको ये पता लग जाए कि कार्यक्रम कब शुरू हो रहा है। तो ये जानकारी आप हमारे इस YouTube चैनल से ले सकते हैं, और Facebook के सभी दर्शक भी इस कार्यक्रम से जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। हमारे प्रभु दरबार पेज पर जाइए, हमारे चैनल को शेयर करें, फॉलो करें। दर्शकों आइए एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताओ। जी गुरुजी, नाम मेरा रिया है गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी मैं जो बात करी गुरुजी, हाँ गुड़गांव से बात करी गुरुजी। अपनी उम्र बताएं। 29 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। जी गुरुजी, 5 नंबर गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताओ। माता जी का नाम है गुरुजी संतोष देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
हरिओम हरिओम गुरुजी। 2022 का वर्ष बेटा अच्छा नहीं आया आपके लिए। जी 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 गुरुजी। नौकरी चली गई बेटा आपकी। जी गुरुजी। अचानक बिना कारण नौकरी चली गई। जी जी बिल्कुल गुरुजी, ऐसा ही हुआ है। और अभी बेटा कोई प्रयास जो कर रहे हो उसमें कहीं और सफलता नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल गुरुजी, कहीं और सफलता मिल ही नहीं रही है गुरुजी। बेटा एक काम करो, मक्की होती है ना मक्की, जी जो मक्का होता है बेटा, मक्की रोज कबूतरों को खिलाना शुरू कर दीजिए। जी जी गुरुजी। एक चांदी का चकोर टुकड़ा बनवाना है आपको, उस टुकड़े पे लाल रंग की बेटा आपको पेंट करना है या नेल पॉलिश करनी है, उसको सुखा के हमेशा अपनी जेब में रखना शुरू कर दीजिए। और सुबह जब स्नान करते हो जल में थोड़ा सा 2 चम्मच कच्चा दूध अवश्य डाला करो, उससे स्नान किया करो। और नहाने के बाद माथे पर बेटा दही का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। एक रतन आता है बेटा ओपल, ओपल रतन आपको लाल रंग के धागे में शुक्रवार को सूर्योदय काल में बेटा धारण करना है। एक चीज बताओ बेटा, माँ बहुत बीमार रहती है आपकी? जी बिल्कुल गुरुजी, बहुत ज्यादा बीमार रहती है। एक चीज और बताना, जिस घर में अभी रहते हो उस घर के पीछे बेटा कोई खाली जगह है या कोई बहुत पुराना कोई पेड़ तो नहीं है? जी गुरुजी है। गुरुजी है पड़ा। माता जी कितने वर्ष की हो गई है बेटा? माता जी की जो उम्र है गुरुजी अभी, उनकी उम्र गुरुजी 58 साल है गुरुजी। माता जी को बोलना बेटा काली उड़द होती है ना बेटा, काली उड़द जी गुरुजी, जो उड़द की दाल होती है वो शनिवार को 1-2 मुट्ठी बेटा कबूतरों को पक्षियों को डाल दिया करें। और उनको बोलना कि गर्म पानी पिया करें, ठंडी चीज़ें ठंडी वस्तुएं दही मक्खन घी बिल्कुल नहीं खाना। और एक तांबे का छल्ला बनवा के माता जी को सीधे हाथ की अनामिका उंगली में धारण करवा देना और उनको बोलना कि वो तांबे के बर्तन से ही जल पिया करें, इससे माता जी का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और जो आपको उपाय दिए गए आप उपाय करिए, आपको नौकरी मिलेगी। बेटा अपना गोत्र बताओ। गोत्र गुरुजी मेरा जो है अत्रेय गोत्र है गुरुजी। फोन पर बेटा बने रहना। आपका सदा कल्याण होगा। तो प्रिय दर्शकों आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। जिन प्रिय दर्शकों की कॉल इस कार्यक्रम में अभी नहीं लगी है तो चिंता ना करें, कार्यक्रम के उपरांत भी हम तत्पर रहते हैं आपकी सेवा करने के लिए, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। इस कार्यक्रम को आपने अत्यंत लोकप्रियता प्रदान की है, उसके लिए मैं सभी प्रिय दर्शकों का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। तो प्रिय दर्शकों अभी समय आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा है, तो चलते चलते माँ देवी अपराजिता को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि हे देवी अपराजिता अपनी कृपा हम पर बनाए रखना, सभी भक्तों का कल्याण इस कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य करना। तो चलते चलते प्रिय दर्शकों माँ देवी को प्रणाम करिए और कल इसी समय आज के समय के अनुसार हम फिर से आपकी सेवा में लाइव प्रोग्राम में आपकी सेवा के लिए अवश्य उपस्थित होंगे। तब तक बड़े प्रेम से 3 बार बोलो हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार भक्ति ज्ञान और सेवा का मार्ग।